प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे जो आज एक वचन भी है और आप सबसे निवेदन भी है और एक काम भी है, और ये काम हम मिलकर करेंगे। पहली बात तो काम प्रार्थना के लिए है, प्रार्थना हम सबको मिलकर करनी है। जो विषय मैं आपको दे रहा हूँ उस विषय पे आपको आज से प्रार्थना करना शुरू करना है, और जो प्रार्थना के साथ साथ काम भी करे परमेश्वर उसे आशीषित करे। क्योंकि जो मैं बात आपको बताऊँगा अगर आप इसको सुनकर इग्नोर करते हो तो उसके लिए भी एक संदेश है, परमेश्वर उस संदेश की तरफ आपसे बात करेगा। हमें बात को सुनकर, देखो आपसे वो काम होता है करें, नहीं होता तो उसके लिए प्रार्थना करें, अनसुना नहीं करना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते वचन प्रार्थना के द्वारा जो तेरा दास बोलने जा रहा है, आज जितने भी लोग हैं पिता उस पर प्रार्थना करेंगे उस विषय पर, और वो विषय पूरा होगा क्योंकि तेरी आवाज़ है। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। मेरे से तो मैं आज आपको एक दर्शन बताने वाला हूँ, और वो बार बार मेरे दर्शन मेरी लाइफ में आता है, यानी कि सपने में आता है, मेरे भाई को भी हुआ है। वो दर्शन मुझे पंजाब लुधियाना में शिफ्ट होने के लिए बताया गया है प्रभु की अगुवाई से, और मैं जानता हूँ कि प्रभु ये काम कर सकता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है। कई बार मैंने आपको प्रचार भी किया है कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वो अपने दूतों का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल करता है, प्रभु खाना खिलाने के लिए कौओं का इस्तेमाल करता है, पानी का इस्तेमाल करता है, कपड़े का इस्तेमाल करता है, फ़ोन का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजता है। तो आज प्रभु का दास उस दर्शन को आपके सामने रख रहा है। वो यही दर्शन है कि मुझे जाना है और मुझे लुधियाना में शिफ्ट होना है, इनफैक्ट मुझे और मेरे पूरे परिवार को। हो सकता है पहले मैं शिफ्ट हूँ, तो आपसे निवेदन है जितने लोग सुन रहे हैं सबसे पहले तो प्रार्थना करनी है। और अगर आप पंजाब में हो और पंजाब में लुधियाना शहर से बिलोंग करते हो या जानते हो किसी को, तो आपको ये काम बड़े आराम से करना है। कर सकते हो तो करना है, नहीं तो प्रार्थना करनी है। क्योंकि अगर ये काम करोगे तो उसका बेनिफिट मैं नहीं दूंगा आपको, इसका प्रतिफल मेरे पास नहीं लेकिन परम प्रधान के पास है। क्योंकि आप प्रभु के दास का काम कर रहे हो, प्रभु के दास की बात सुन रहे हो, परमेश्वर आपकी बात सुनेगा, आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपके जीवन से सारी संकट को दूर करेगा, क्योंकि वचन ही कहता है। और अगर आप नहीं कर पा रहे, सिर्फ प्रार्थना भी कर रहे हो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे, इग्नोर कर देते हो या इस बात को तुच्छ समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे, तो प्रभु ने एक वचन दिया है, उस वचन के अनुसार हम और आप प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद करते पिता वचन के साथ हमारी बातें करना पिता, क्योंकि इस वचन से हमारी हमें शिक्षा मिल पाई। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है मेरे अज़ीज़ों लूका 10 उसका 16, लूका 10 और उसका 16 वचन क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, यानी कि अगर आप इस प्रभु के दास के सुन रहे हो, ये मेरी बात नहीं है, मैं आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी नहीं बोला, सिर्फ एक निवेदन है प्रार्थना के लिए बोल रहा हूँ। दूसरा कि आप इस काम को कर सकते हो, बेशक वो रेंट पे हो कैसा भी हो, आप मुझे इसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तू जानता है वह मुझे तू जानता है। यानी कि अगर आप ना प्रार्थना कर रहे हैं, आपने स्किप कर दिया, आपने सुनना बंद कर दिया, अरे पाशादे बोलते रहते हैं, तो आप मुझे नहीं प्रभु के वचन को तू जान रहे हो। वचन कहता है जो तुम्हें तू जानता है वह मुझे तू जानता है, और जो मुझे तू जानता है वह मेरे भेजने वाले को तू जानता है। अब ये फैसला आपका है। ये वीडियो दोनों चैनल पर आपको मिलेगी, आज यहाँ पे, कल हो सकता है दूसरे चैनल पे मिले, तो निवेदन करूँगा कि आपसे शेयर भी करेंगे और आज से इस काम में लग जाएंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे, और जो जो पंजाब में है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मैं आपका नंबर, अपना नंबर आपको दे सकूँ, या कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं जिससे कि मैं आपसे बात कर सकूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा जो संदेश प्रार्थना आपने दिया है पिता, जितने भाई बहन इस काम में लग गए हैं, प्रार्थना के साथ लग गए, पहली बात पिता फास्टिंग के साथ लग गए हैं, और तेरे दास की शुद्धि ले रहे हैं पिता परमेश्वर, तू उनकी शुद्धि लेना। इन्होंने मेरी बात सुनी पिता, आप इनकी बात सुनना। इन्होंने तेरी बात को आदर कराया, आप इनका आदर करना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इनके जीवन से हर संकट को दूर करना, और जब ये बात पूरी होती है और जिस व्यक्ति को आपने इस्तेमाल करेगा पिता, करा है आपने इस काम के लिए पिता, आप उसे बहुत बरकत देने वाले हो, मैं जानता हूँ प्रभु जी, क्योंकि उसके सारे काम पूरे होंगे। हाँ और आमीन के साथ जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस विषय को लेकर मेरे साथ मिलकर, उनके सारे सपने पूरे करना, उनके जीवन से अद्भुत काम करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मुझे विश्वास है आप अभी से इस काम में लग जाओगे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।